अदालत में 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर असमय नीति लागू करना पड़ेगा। आपने हर हालत में झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा के आलोक में यहाँ के पिछड़ी जातियों को आरक्षण, हालत में अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराना होगा। आपको हर हालत में सरकार धर्म कोड लागू कराना होगा, इस दिशा में आपको कार्रवाई करना होगा। हर हालत में जो राज्य की परिसंपत्तियां सरकारी राजस्व की जो क्षति हो रही है, लोहा चोरी, कोयला चोरी, बालू चोरी, पत्थर चोरी, इसको रोकना होगा। और इसमें जो भी शामिल है उसको चिन्हित करके सबसे पहले जो सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है उसको रोकना पड़ेगा। आज ये सबसे ज्यादा दुखद है कि 26 महीने में इस सरकार ने 26 ब्रेक चलने का काम नहीं किया, उल्टे आज ये सरकार झारखंड की जनता का 3.25 करोड़ जनता का उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि पूरे राज्य में सभी थाना क्षेत्र में सभी प्रखंड क्षेत्र में झारखंड की जनता को आरसी पार्टी के पदाधिकारियों को उनके कार्यकर्ताओं को रोकने का काम किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। हम जो खुली चेतावनी देते हैं कि हेमंत जी आरसी पार्टी के दीवाने निकल चुके हैं, हर हालत में आपको 1932 या खतियान अंतिम सर्वे के आधार पर आपको स्थानीय नई नीति लागू करना होगा। अभी जिस तरह से लोग भाषा को लेकर भाषाई अतिक्रमण का जो मामला आया है उसकी पूरी तरह से दोषी हेमंत जी है। आज पोकारो और धनबाद की जनता का हम लोग धन्यवाद देंगे कि पोकारो और धनबाद और आरसी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देंगे, उन्होंने इतना जोरदार तरीके से आंदोलन किया कि सरकार को घूमने टेकना पड़ा। पोकारो धनबाद से मजबूत लड़ना पड़ा, सिर्फ पोकारो धनबाद में ये लड़ाई नहीं लड़ेगी, झारखंड राज्य के सभी 22 जिलों से बारी भाषा को वापस करना होगा। 1932 के खतियान के आधार पर आपको असमय नीति लागू करना होगा। अभी क्या ये किस तरह की सरकार है, कितनी बंडबरी सरकार है। सरकार में शामिल दो मंत्री है, एक पश्चिम दिशा के हैं जो कहते हैं कि भोजपुरी में भी लागू करना होगा, और एक मंत्री हम लोग के बगल से है जो कहते हैं भोजपुरी में भी तो हटाना होगा। अरे मंत्रिमंडल में शामिल है, एक कहते हैं कि हम मंत्रिमंडल में विरोध करते हैं, किस तरह का विरोध करते हैं कि आप जिस मंत्रिमंडल में विरोध करते हैं, जिस विभाग के मंत्री है और आप ही विभाग का संलेख आता है और आप ही विभाग का कैबिनेट में भोजपुरी में भी पारित हो जाता है, और ये प्रेस के सामने जब आते हैं तो कहते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। प्रेस के सामने जब आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, जब भीड़ रहती है तब कहते हैं 1932 का खतियान लागू करते हैं, और जब कैबिनेट में बनते हैं तो वहां पर गुंगे हो जाते हैं। इस सरकार के सहाय जितने भी शामिल पदाधिकारी सभी गुंगे, सभी पहरे, इसलिए इन लोगों को चुनाई नहीं पड़ रहा है। आज हम लोग इस कार्यक्रम के तहत पूरी चेतावनी दे रहे हैं कि 1932 के खतियान आधारित आपको स्थानीय नीति लागू करना होगा, अन्यथा हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। एक मेरे बगल में एक विधायक है जो कहते हैं कि हेमंत जी ने अच्छा किया, हमको धन्यवाद दे रहा है, उनको देखिए मोदी और चूरी लागू करने के लिए मैंने धन्यवाद, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की आवश्यकता है। जमीन मेरा, झारखंड मेरा, देश मेरा, राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा, किसी भी से नहीं चलेगा, वोट मेरा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हम सभी मित्रों से नारा लगवाना चाहते हैं ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये आवाज चली जाए, एगो पश्चिम दिशा वाले मंत्री के पास आवाज चले जाए। इधर हम लोगों के बगल में एनएच के बगल में, एनएच टू के बगल में एक मंत्री, वहाँ तक आवाज चली जाए। इतने जोर से क्या कार्यकाल को लागू मत करे, लागू करे आप, लागू करे आप। 1932 का खतियान, 1932 का खतियान, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से पार्टी के लेना है, आरसी पार्टी जिंदाबाद, आरसी पार्टी जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद।